पहाड़ पर जब बादल गरजते हैं तो पत्थर बरसते हैं, टूट जाती हैं बड़ी बड़ी चट्टाने, सहम जाते हैं इंसान, नहीं बचता सड़कों का नामो निशान। उत्तराखंड के चमोली में बारिश कितनी खतरनाक हो चुकी है इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जगह जगह भूस्खलन ने सफर को जानलेवा बना दिया है। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा, वहीं अब कर्णप्रयाग रानीखेत राष्ट्रीय राजमार्ग भी एक बार फिर बंद हो गया। यहां बिन बारिश पहाड़ दरक कर अचानक से सड़क मार्ग पर आ गया, जिसके बाद से मार्ग बंद हो गया, लोग दोनों तरफ फंस गए। बागेश्वर में लगातार बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। बारिश से सबसे ज्यादा कपकोट में नुकसान हुआ है, जहां पहाड़ अब कमजोर पड़ने लगे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे सड़कें बंद हो रही हैं। कपकोट में सौंत से खालीधार को जोड़ने वाला मोटर मार्ग 16 दिन से बंद है, तो वहीं बागेश्वर दफौट सड़क 9 दिनों से बंद है। रुद्रप्रयाग शहर में बीच से बहने वाली अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी खतरे के निशान से ऊपर है। नदी किनारे के सभी घाट और पैदल आने जाने वाले रास्ते बंद हैं। फिलहाल नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है और उनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के रामनगर के नेशनल हाईवे का हाल देखिए। यहाँ लोग जान को जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तराखंड में बारिश से किस तरह के हालात बने हुए हैं। इतना ही नहीं, अक्सर इन सड़कों पर बारिश की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे का हाल देखिए। लैंडस्लाइड में कितनी तेज रफ्तार से पत्थर ऊपर से नीचे खाई में गिर रहा है। एक के बाद एक कई पत्थर नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो पलक झपकते ही आम जिंदगी को हादसे में तब्दील कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी पहाड़ों से मलबे की कुछ ऐसी ही बारिश हो रही है, जिसके निशान वहां के घरों पर है। वहीं कारगिल में बादल फटा तो चारों तरफ तबाही पसर गई। गांव के बीच से सैलाब बहने लगा, मलबों का दलदल बन गया। हिमाचल में पहाड़ों के भी दरकने का सिलसिला जारी है, जो हादसों को अंजाम देने के फिराक में सड़कों पर गिर रहा है।